वादी में जारी तशद्दुद के सबब यतीमों, नादारों और मोहताजों की एक फौज तैयार हो गई। हुकूमत और रियासती फलाही इदारों के साथ साथ गैर रियासती फलाही इदारे भी इन अफराद की बाजाबादकारी के कामों में जुटे हुए हैं। पेश है आजकल टीम की ये रिपोर्ट। यतीम, नादार और मोहताज समाज का एक हिस्सा होते हैं और हर समाज अपने वसाइल के मुताबिक ऐसे अफराद की फलाह व बहबूद के लिए काम करता है। लेकिन वादी के अंदर जारी कत्लो गारतगरी ने जिस तेजी से यतीमों और नादारों की तादाद में इजाफा किया है, उसकी वजह से वादी के अंदर यतीमों की एक फौज तैयार हो गई है और इनकी फलाह बहबूद और इनके लिए दो वक्त की रोटी मैसर करना एक संगीन मसला बन गया है और इस मसले को इतनी आसानी से हल नहीं किया जा सकता जितना आसान ये लगता है। अगरचे एक तरफ हुकूमत अपने वसाइल को इस्तेमाल करके ऐसे यतीमों और नादारों की फलाह बहबूद को यकीनी बनाने में लगी हुई है, तो दूसरी तरफ रियासती और बैरून रियासती फलाही इदारे ये कार्य सवाब अंजाम देने में तन मन से जुटे हुए हैं। जिला कपवाड़ा के सलकूट गांव में एक गैर रियासती फलाही इदारे ने ऐसे ही यतीम और नादार बच्चों के लिए, जो वादी के अंदर जारी मिलिटेंसी की वजह से वजूद में आए हैं, बसीरे तबस्सुम के नाम से एक यतीम खाना शुरू किया हुआ है जिसके अंदर इस वक्त 42 बच्चे पढ़ रहे हैं और इसके साथ साथ इस इदारे ने इन बच्चों की तालीम और तरबियत का भी माकूल इंतजाम किया हुआ है। बहुत अच्छी तरह से चलते हैं, उनका खाना पीने का जो इंतजाम है, बैठने का, रहने का, तो ये अच्छा चल रहा है। ऑर्फन्स को हमने यहाँ पर होम बनाया है। व्हाट वी फील, लोगों को हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि इनको ऑर्फन्स की तरफ ट्रीट ना किया जाए। दे आर गॉड्स चिल्ड्रन, दे आर स्पेशल चिल्ड्रन, तो इनको वो लाइफ लॉन्ग इनको वो साइकोलॉजिकल स्कार नहीं देना है। वी आर फाइटिंग द वर्ड ऑर्फन इटसेल्फ इन बसरा तबस्सुम। इस समाज के एक हिस्से के तौर हम पर भी ये फ़र्ज आयद होता है कि इनफरादी या इज्तमाही तौर हमसे जो बन पड़े ऐसे यतीम बच्चों की फलाह और बहबूद के लिए करें, बजाय इसके कि हम अपनी नज़रें सिर्फ हुकूमत और फलाह इदारों पर टिकाए रखें, क्योंकि ये बच्चे भी हमारे ही समाज का एक हिस्सा हैं जो शौकिया यतीम नहीं बने हैं बल्कि हालात के मारे हुए हैं। और अगर हम अपने आप को इंसान समझते हैं तो ऐसे यतीम बच्चों की फलाह और बहबूद इंसानियत का तकाजा है जो बहरहाल हमें ही पूरा करना होगा। इसके साथ ही आजकल का आजकल शुमारा यहीं पर इख्तिताम को पहुंचता है। कल आजकल में आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, आदाब।